आप देख रहे हैं डी न्यूज दरभंगा बिहार, मैं हूं एम राजा। आइए डालते हैं आज की खबरों पे एक नजर। तारडी, आगामी 28 फरवरी को इजराटा पंचायत ओडीएफ के मौके पर फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन पंचायत के मुखिया महमूद आलम की अध्यक्षता में, जिसमें प्रशासन बनाम जनप्रतिनिधि की टीम होंगी आमने सामने। दोनों टीम मैच जीतने का कर रही है दावा। डी न्यूज दरभंगा बिहार यूट्यूब चैनल पर होगा मैच का लाइव टेलीकास्ट। बेनीपुर, सोमवार को होली पर्व को देखते हुए आपसी सौहार्द को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष शशिकांत सिन्हा द्वारा की गई, जहां दोनों समुदाय के दर्जनों लोग उपस्थित हुए। बेनीपुर, सोमवार को माइकोवांडो सम्मान समारोह का आयोजन आशापुर स्थित माइकोवांडो कार्यालय में की गई। मुंगेर के सूरज कुमार, दरभंगा के राजेश ठाकुर, राम प्रवेश कुमार महतो, झारखंड के सुनील कुमार व शिल्पी दास को ऑनरी ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया गया, तो वहीं मुंगेर की वर्षा कुमारी को जनवरी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। राजेश कुमार यादव ने बताया कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में माइकोवांडो का डंका बजेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दरभंगा की खबरों के साथ फिर हाजिर होता हूं। दरभंगा, दिन भर जाम की समस्या से जूझता रहा दरभंगा। बाइक व टेम्पो की हरकत से दिन भर जाम में फंसे रहे लोग। दरभंगा, डबल इंजीनियर मर्डर केस में 10 लोग दोषी करार। 75 करोड़ राशि की मांगी गई थी फिरौती। 25 दिसंबर 2015 को इंजीनियर मुकेश कुमार व ब्रजेश कुमार की दिन दहाड़े AK-56 से अंधाधुंध गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें डी न्यूज दरभंगा बिहार। मुझे दें इजाजत, मैं हूं एम राजा।